खाद्य विभाग जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार आम व्यक्ति एटीएम मशीन में अपनी जरूरत के लिए पैसे निकालते हैं, अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड में आम जनता अनाज भी ले सकती है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विश्व खाद्य योजना के खास योजना के तहत राज्य में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है। मंत्री ने बताया कि विश्व खाद्य योजना के तहत इस संबंध में हमें मंजूरी भी मिल चुकी है। बता दें कि वर्तमान में फूड ग्रेन एटीएम की योजना सिर्फ ओडिशा और हरियाणा राज्य में चल रही है, लेकिन अब उत्तराखंड देश का ऐसा करने वाला तीसरा राज्य होगा। खाद्य विभाग एक कोशिश करने जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हुए जिस प्रकार से एटीएम कार्ड डालने से हमारे एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं, ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एटीएम कार्ड बनेगा और उस कार्ड को डालने से उसको जो राशन है उसी अपने एटीएम मशीन के माध्यम से उसे प्राप्त होगा। इससे एक तो हमें ये लाभ मिलेगा कि व्यक्ति कहीं पे भी अपना राशन जो है वो उठा सकता है, कहीं से भी अपना राशन ले सकता है, और इसके साथ साथ में जो है जो हमारे आम जनमानस है उसको मौके पे ही जो सुविधा कह सकते हैं या डोर पे उसके खाद्यान्न वो एक सुविधा भी उनको मिले। तो एक ये कोशिश है, यदि ये प्रयोग एक हम लोग मैदानी जनपद में करेंगे और एक प्रयोग हम पहाड़ी जनपद में करेंगे और यदि इसका फीडबैक इसका अनुभव अच्छा रहा तो निश्चित रूप से फिर उसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। तो हम लोग इसकी पहल बहुत जल्दी करने जा रहे हैं।